दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हां दोस्तों, IRCTC के अंदर जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के वक्त यानी कि सैटरडे और संडे, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट क्लोज रहता है, तब हमें एक बड़ी न्यूज आते हुए देखने को मिलती है जिसमें कंपनी अनाउंस करती है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट की डेट। और साथ ही साथ आपको एक और बड़ी अपडेट्स देखने को मिल जाती है जो कि है स्प्लिट से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो IRCTC के अंदर स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आती है, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना बढ़ता है कि आज के दिन आपको IRCTC के अंदर नया 52 वीक का हाई तो देखने को मिल ही जाता है, लेकिन उसी के साथ में वॉल्यूम बेस्ड काम के अंदर भी काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में IRCTC को लेकर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि कंपनी जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, जैसा कि मैं सबसे पहले आपको तारीख बता देता हूं, 12 अगस्त 2021 को जो कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, उसके पहले एक्सपर्ट ने तो इसके 2600 रुपए तक के टारगेट दिए हैं। जी हां दोस्तों, CNBC आवाज पर एक्सपर्ट्स इस शेयर को लेकर काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में यानी कि रिजल्ट के पहले पहले आपको इसके अंदर 2600 रुपये तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपने IRCTC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर बहुत ही शानदार खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें IRCTC के स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ की, तो यहाँ पर अभी सिर्फ कंपनी की तरफ से अपडेट निकल कर आई है, यानी कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपना प्रपोजल रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को भी। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है और क्या रेशो में हमें स्प्लिट देखने को मिल सकता है, हालांकि जिस प्रकार के सेंटीमेंट बन रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स की तरफ से भी व्यू निकल कर आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें 1:5 के रेशो में स्प्लिट देखने को मिल सकता है, यानी कि IRCTC का शेयर, अगर आपके पास एक शेयर भी है तो अगर स्प्लिट होता है तो आपको एक के बदले 5 शेयर यहां पर दिए जाएंगे। तो 1:5 का या 1:10 का जो भी रेशो होगा वो तो आपको 12 अगस्त के दिन ही क्लियर हो पाएगा। जैसी भी अपडेट रहेगी वो आपको हमारे इस चैनल से और हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम आज किसी भी न्यूज़ को अगर उठाकर देखें तो IRCTC के अंदर जो आज आपको 7% तक की बड़ी रैली देखने को मिली, उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो स्टॉक स्प्लिट का रीज़न ही बताया जा रहा है। यानी कि आज की अगर हम यहाँ पर मॉर्निंग सेशन का अगर फर्स्ट सेशन की बात करें तो आज मार्केट ओपन होते से ही हमें इसके अंदर 2490 रुपये का हाई देखने को मिला। हालांकि इसके बाद शेयर्स और हाई गया था, लेकिन मैं आपको फर्स्ट सेशन की बात बता रहा हूं। तो स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ का इतना इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ IRCTC के जो टेक्निकल रेटिंग है वो भी काफ़ी बुलिश निकल कर आ रही है। तो यदि आपने शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको अपने पॉइंट रखना चाहता हूं। उसके पहले मैं आपको IRCTC के की मैट्रिक्स पॉइंट्स को यहां पर बता देना चाहता हूं कि कंपनी का पी रेशो अगर आप देखेंगे तो 196 का निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर सेक्टर पी देखें तो वो माइनस में यहां पर निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ अगर एनालिस्ट की माने तो 100% बाय की कॉल इस शेयर को लेकर निकल कर आ रही है। तो डेफिनेटली अगर आपने IRCTC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप अपनी पोजिशन को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस शेयर के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शेयर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम IRCTC के चार्ट को भी एनालिसिस करें तो आज हमें काफ़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से काफ़ी हाई लेवल पर शेयर्स आज ओपन होता है और काफ़ी बुलिश मूवमेंट अभी हमें IRCTC के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप इस लेवल पर खरीदारी करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर फंस भी सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। साथ ही साथ अगर हम इसके 20 DMA रेशो की भी बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से शेयर इसके 20 DMA यानी कि 20
डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सैटरडे के दिन हमें स्प्लिट की न्यूज़ आते हुए देखने को मिलती है, उसके बाद आज के दिन इसकी जो ओपनिंग है वो काफ़ी गैप अप देखने को मिलती है और शेयर्स 2400 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच में ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल चुका है। तो डेफिनेटली 12 अगस्त के पहले पहले तक IRCTC के अंदर जो टेक्निकल रेटिंग बन रही है वो काफ़ी बुलिश है। साथ ही साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टर वन के रिजल्ट जो कि 12 अगस्त को आने वाले हैं, अगर रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं रहते हैं तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट बुकिंग पर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। साथ ही साथ IRCTC के शेयर्स को आए, मतलब लिस्टेड हुए कंपनी को 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर ही कंपनी ने मल्टी बेगर रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को बनाकर दे चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहना चाहूँगा कि यदि आपने IRFC के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको लॉस हो रहा है तो आप वहाँ पर पेशेंस बनाए रखिए, आपको डेफिनेटली वहाँ पर कुछ बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे, बस आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।